गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड आई एम बैक विद द न्यू YouTube वीडियो। सो टॉपिक देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम बनाने वाला है हाउ टू मेक अ डायरी का पार्ट 2। सो अगर आपको जानना है कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 क्यों बना रही हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि जब मैंने हाउ टू मेक अ डायरी का वीडियो अपलोड किया और उसके बाद जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखी और मुझे हुआ क्योंकि वो डायरी इतनी मस्त थी और वो मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। फिर मैंने सोचा चलो इस डायरी को खरीद लेती हूँ और मैं गई मार्केट में उसे खरीदने। और जब मैंने इसकी प्राइस सुनी तो वो प्राइस तो फिर मैंने सोचा इट्स ओके, इस डायरी को हम घर पे बनाएंगे। सो आपको क्या लगता है, बिना टेस्ट डायरी मेरे से बनेगी या नहीं, जल्दी से कमेंट्स में बता दूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पेपर, इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे और इसे खच 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 काटेंगे। सो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। यही सेम प्रोसेस हम दूसरे पेपर के साथ करेंगे। आपको जितनी मोटी डायरी चाहिए उतने ज्यादा आप पेपर्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पेपर्स लिए हैं। अब इन पेपर्स को एक एक करके फोल्ड कर लेना, मेक श्योर एक साथ मत करना क्योंकि इसकी साइज चेंज हो जाएगी। अब हम इन पेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे और ये कुछ ऐसे नजर आएंगे। इसके बाद इन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इन्हें शेप दे देंगे। इसे मैंने शेप दे दिया है, इसे अब देंगे। आई नो शेप देने में थोड़ी मेहनत लगेगी, बट ओके यार कर लेना। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने थोड़ी देर बाद शूट किया। यहाँ पर आप फास्ट मोशन में देख सकते हैं कि मैंने कैसे डायरी को ज्वाइन किया। दूसरा तरीका तो है, लेकिन इस डायरी को हमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बनाना है। तो अब ये रेडी हो चुका है, यानी कि ये जॉइंट हो चुकी है। ये प्रोसेस मैंने दोनों पार्ट्स के साथ की है। कार्डबोर्ड को हम कट कर लेंगे। हम एक पेपर लेंगे और इसे खच 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 कट कर लेंगे। इस पेपर के ऊपर हमने जो पार्ट्स कट किए थे उसे ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे। अब हम कबाड़ी में से कुछ किसी पीछे पेपर निकाल लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे इन पेपर्स को गूंद लेंगे। अब ये पेपर्स कुछ ऐसे नजर आएंगे। इसमें जितना भी पानी है उसे निचोड़ कर निकालेंगे और इन पेपर्स को एक डिश में इकट्ठा करेंगे। ये प्रोसेस मैंने सभी पेपर्स के साथ की। अब इन पेपर्स को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये ऐसे दिखाई देंगे। अब इस पे हम ग्लू ऐड करेंगे, मेक श्योर थोड़ा ज्यादा करना। अब हम इसे फिर से आटा गूंद लेंगे। एनीवेज हमने पहले जो पेपर बनाया था उसके ऊपर हम ये आटा गूंदे हुए पेपर्स को चिपकाएंगे और इसे 24 आवर्स तक रखेंगे। अब ये ड्राई होकर रेडी हो चुका है। अब मैं डॉम्स के पोस्टर कलर्स यूज करूंगी, ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक मिला के मैं ब्राउन का एक डार्क शेड रेडी कर लूंगी। अब मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर और थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करूंगी जिससे कि ब्राउन का लाइट शेड रेडी हो। अब हम ये तीनों कलर्स यूज करेंगे और ये डायरिया उसे पेंट करेंगे। यहाँ पे आप फास्ट मोशन में देख सकते हो कि मैंने इसे कैसे पेंट किया। मेक श्योर इसे अच्छे से सूखने दे। इसके बाद मैं यहाँ पे फेविकॉल का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इस डायरी को हमें कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग बनाना है। उसके बाद इसे ड्राई होने दे। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लेंगे एक इलास्टिक, हाँ वही। अब हम इसे ग्लू गन की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। मेक श्योर इसे हमें स्ट्रांग बनाना है, अच्छे से ज्वाइन करना। अब हम कार्डबोर्ड को कट करेंगे और इस कार्डबोर्ड को हम डायरी के पिछले हिस्से पे चिपका देंगे क्योंकि हमें इसे स्ट्रांग बनाना है। अब ग्लू गन की मदद से जो पेपर्स हमने रेडी किए थे उन पेपर्स को हम इसके ऊपर चिपका लेंगे। बड़ी जल्दी समझ गए। यहाँ हमने ब्लैक पेपर को कट कर लिया और जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे चिपका देंगे क्योंकि
नहीं यार, अच्छा भी तो दिखना चाहिए। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये डायरी रेडी हो चुकी है। यार इतनी मेहनत की है, जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स में ये भी बताना कि ये डायरी आपको कैसी लगी। सो हमारी डायरी बनकर रेडी हो चुकी है। आई नो बट ट्रस्ट मी, इसका जो आउटकम है वो बहुत ही मस्त है। एंड इट्स ओके अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, देन जस्ट गो एंड वॉच इट्स पार्ट वन। उसमें मैंने दो डायरीज बनाई है, उसमें से आप कोई भी एक डायरी बना सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लेना। एंड आई होप कि मैं जो 30 डेज चैलेंज कर रही हूँ उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर उसमें आपको कोई भी चेंजेस चाहिए देन कमेंट कर दो, मैं वो कर दूंगी। और अगर आपके पास कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है देन प्लीज़ उसे भी कमेंट कर दो, मैं उसे भी पूरा करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो अब मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।